एक और चीज बताइए जब आप बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम कम्युनिकेट कर रहे थे तो आपने भगवान कृष्ण और हनुमान जी का नाम लिया मैं थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर लेना चाहता हूँ इनके करेक्टर आपको बड़े अच्छे लगते हैं तो पहले भगवान कृष्ण की बात करते हैं ऐसा क्या समझ में आता है आपने जितना अभी तक उनको पढ़ा पांच ऐसी चीजें जो भगवान कृष्ण की आपको लगती है कि कमाल है आज के यूथ को आज की यंग जनरेशन को अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए कौन कौन सी क्वालिटी हम में हो तो हमारी उन्नति हो सके हमारा इवोल्यूशन हो सके हमारा विकास होना हो सके ऐसी सारी क्वालिटी एक कैरेक्टर में मिल जाए तो वो श्री कृष्ण है इज अ डांसर इज अ म्यूजिशियन इज अ गुड लवर इज अ गुड फैमिली मैन इज अ गुड सन इज अ गुड बिजनेस मैन इज अ गुड पॉलिटिकल स्कॉलर पूर्ण पुरुषोत्तम हम कहते हैं श्री कृष्ण hmm. को हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं कृष्ण hmm. hmm. ने क्या किया महाभारत के युद्ध में पहले ही दिन गीता का ज्ञान अर्जुन को देने की शुरुआत की तो स्टार्ट कहां से हुआ अर्जुन कहता है कि ये जो सामने खड़े हैं वो तो सब मेरे अपने हैं कोई मेरे दादा लगते हैं कोई पितामा लगते हैं कोई भाई लगते हैं कोई चाचा लगते हैं कोई मेरे गुरु हैं और इन सब से मैं इनके साथ मैं पला बड़ा हूं इन्होंने मुझे बड़ा करने में योगदान किया आज मैं जो भी हूं इनकी वजह से हूं और अब इनके सामने मैं तलवार उठाऊंगा गांडी उठाऊंगा तो ये प्रॉब्लम है Hmm. हताश हो चुका है निराश हो चुका है डिप्रेस हो चुका है तो पहले पूरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ बोल नहीं देते बोल नहीं देते तुम खाली हो जाओ hmm. तुम बोलते जाओ पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहीं भी अर्जुन को इंटरप्ट नहीं किया पहले सामने वाले को बोलने दो इज अ बेस्ट साइकोलॉजिस्ट अगर तुम्हें किसी की समस्या का समाधान देना है तो तुम्हें उसे सुनना पड़ेगा अब हम चलते हैं हनुमान जी की तरफ जिन्हें आप हम सब चिरंजीवी कहते हैं जो ऐसा लगता है कि अभी भी जिंदा है हमारे बीच ही है आपने हनुमान जी का नाम लिया तो उनमें क्या क्वालिटीज आपको नजर आती हैं हनुमान जी के प्रति हम सबको फैसिनेशन होता है या श्रद्धा होती है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बलशाली थे गदा में सबको खत्म कर देते थे, थे इतना बल था उनमें कि रावण को मारने के लिए भगवान राम को जाना नहीं पड़ता Hmm. कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थी जब रावण ने हरण कर करके लाए थे सीता जी को hmm. तब हनुमान जी गए थे सीता जी को ढूंढने और देखा कि अशोक वन में पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है hmm. जो ठान लिया होता तो हनुमान हाँ लेके आ जाते hmm. उनको जरूरत नहीं पड़ती कि वहां से जाके पूरी एक्सरसाइज फिर रावण को मनाना कि तू जी को भगवान को सौंप दे तो ये युद्ध नहीं होगा फिर वापस जाना उन्होंने अपनी एक मर्यादा रखी कि जो चीज जिसको सुहाए उसी को करनी चाहिए hmm. मैं यहां एक दूत बन कर आया तो मैं एक दूत की हैसियत से यहाँ ऑपरेट करूंगा hmm. you know, एक होता ना कि हम हम, हम सबको अपनी एक बाउंड्री में रहना चाहिए सो so, वो बहुत ही ब्यूटी इतना बल होने के बाद भी hmm. एक संयम होना अपने बल पर संयम रखना वरना नहीं सोचते इसका तो मैं खत्म कर दू राहुल को hmm. अपने आप को कंट्रोल करना hmm. हनुमान चालीसा की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है सूक्ष्म रूप दरी सिया दिखावा विकट रूप दरी लंग जला। जलावा तो हनुमान जी में वो एडेप्टिटी है आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं कि हमको एजाइल रहना है एडेप्टिव रहना है हमको चीजें लर्न रीलर्न अनलर्न वापस लर्न ये सब करना है True. तो उसका सबसे बड़ा पर्सोनिफाइड कैरेक्टर है वो हनुमान जी है। वो जैसी भी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देते थे